हम लगातार इलेक्शन की खबर पे बने हुए हैं। कल काउंटिंग डे है, इस वक्त हम जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हो ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है मेरे पीछे है, जहां पर इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर और पूरी इलेक्शन की टीम इस वक्त फिर से अंदर है इस कॉम्प्लेक्स के, जो केंद्रीय विद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसको केवी स्कूल कहा जाता है, जो डुलस्ती पावर प्रोजेक्ट की यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है उसका स्कूल है। कल यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है और साइमल्टेनियसली तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी कि इंदरवाल 48, किश्तवाड़ 49 और पाडर नागसिनी 50। मैं आपको बता दूँ कि कल हम बेशक आपको कवरेज दिखाएंगे, लेकिन जो प्रोमिनेंट मीडिया पर्सन हैं उनको अंदर अलाउ नहीं किया गया है। इसमें क्या रीजंस हैं वो मैं बता नहीं सकता हूं। हमें खबर मिल रही है कि 25 के करीब जो मीडिया पर्सनल है, जो इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सनल है, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है, उनको जो है वो फेलिसिटेशन की गई है कि वो अंदर जाए, जबकि जो ऑन ग्राउंड जो प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनल और जर्नलिस्ट है जिन्होंने जो हमेशा इलेक्शन की कवरेज करते आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करते आ रहे हैं, लेकिन आज किन वजूहात के बिना पर उनको अंदर एंट्री कार्ड्स नहीं मिले हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। हमने पहली बार सुना कि वो लोग जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उनको कार्ड इशू किए गए। हालांकि कुछ साथियों को जो प्रोमिनेंट हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको कार्ड इशू किया गया है और ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट जो ऑन ग्राउंड कवर करते हैं उनको जो है वो कार्ड जो है वो इशू नहीं किए गए हैं। अभी इसमें हमने डिटेल्स मांगी थी एडमिनिस्ट्रेशन से और इलेक्शन अथॉरिटी से, उनका ये कहना है कि ऊपर से जो है वो कार्ड सेलेक्ट होकर आए हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। हालांकि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है किश्तवाड़ के, उन्होंने यहाँ से डाटा जो है वो ऑलरेडी भेजा हुआ है ऊपर और फेलिसिटेशन के लिए जो है वो यहाँ से की हुई है, सबका रिकॉर्ड भेजा, लेकिन वहाँ से कुछ कुछ लोगों के जो है वो कार्ड आए। मैं बता दूं कुछ लोगों के मल्टीपल कार्ड्स आए हैं, मतलब जो एजेंसीज हैं जो किसी एक पोर्टल के लिए काम करते हैं उनको दो दो तीन तीन कार्ड्स इशू किए गए हैं, जबकि कुछ लोगों को जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं दिए गए हैं कार्ड। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें कल मीडिया गेग रहेगा, यानी कि चंद मीडिया वाले जो इन्फ्लुएंशियल मीडिया वाले हैं उनको जो है वो अंदर दिया जाएगा जाने के लिए, और अभी जो कुछ मीडिया वाले हैं वो आपको बाहर से जो है वो कवरेज दिखाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलैबोरेट करके आपको पूरी की पूरी जो है वो कवरेज दिखाएं। इस वक्त मैं बना हुआ हूँ यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय का काउंटिंग सेंटर है, ये देखिए आप देख सकते हो तस्वीरों में यहाँ लाइट जल रही है, ये पूरा सीसीटीवी के अंडर है, आप देख सकते हो बाहर से कैसेटीना वायर्स लगी है, ये पूरी तरह से एक तरह से छावनी में जो है वो तब्दील किया गया है इस एरिया को। इसको सुबह जो है और आधी रात से जो है इसको पूरा एरिया को सील किया जाएगा। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, जो HDFC बैंक से जो है वो गाड़ियाँ बंद की गई हैं, यहाँ की तरफ कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरी तरफ से जो जो NHPC का जो जो गेट है, जो क्वार्टर्स के गेट है, यानी कि जो शिव मंदिर है वहाँ से जो है वो एंट्री बंद की जाएगी और उसके आगे जो है वो यहाँ की तरफ आने नहीं दी जाएगी गाड़ियाँ। अलबत्ता जो एम्बुलेंसेज होंगी उनको दिया जाएगा आने, और जो इमरजेंसी पेशेंट किसी में होगा, यानी कि आपको अगर समना कॉलोनी जाना है, आपको बारों बार जाना है, ये वाला रास्ता जो है वो आप लोग अवॉइड करें। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि शहर में कल कोई भी दुकानें बंद नहीं रहेगी, इस तरह का कोई आर्डर नहीं है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कल ट्रैफिक बंद रहेगा, कल यहाँ पर जो है दुकानें बंद रहेंगी, इस तरह का कोई आर्डर नहीं है, ना ही कोई इस तरह की डायरेक्शन है। हाँ अलबत्ता जो ट्रैफिक का एक निकला है, एडवाइजरी निकली है, उसमें जो एजेंट्स हैं उनकी गाड़ियों को ITI कॉलेज ग्राउंड में जो है बताया गया है पार करने के लिए, यानी कि वो जो ITI कॉलेज ग्राउंड और जो काउंटिंग सेंटर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से के करीब जो है वो फासले पर है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है ये कौन सा ऐसा एडवाइज़र है जिसने ये एडवाइजरी दी है उनको कि जो एजेंट्स है वो वहाँ गाड़ियाँ पार्क करें। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एजेंट्स की एंट्री को गाड़ी में फैसिलिटेट करे काउंटिंग सेंटर के बाहर, तकरीबन 100-200 मीटर तक वो गाड़ी आकर ड्रॉप करके फिर वापस चली जाएगी, ताकि एक कंफ्यूजन में जो है वो ना हो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि
जो काउंटिंग के बारे में मैं बता दूं कि पहले बैलेट वोट्स जो है वो काउंट होंगे, उसके बाद सर्विस वोट्स काउंट होंगे, और 8:30 के करीब साइमल्टेनियसली जो है वो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो काउंटिंग शुरू होगी, और एक राउंड में 14 के करीब जो है वो ईवीएम मशीन जो है वो उठाई जाएंगी। और इसके अलावा अभी कुछ कन्फ्यूजन है काउंटिंग एजेंट्स को लेकर, मैं बता दूं कि काउंटिंग एजेंट्स की वेरिफिकेशन की जा रही है, काउंटिंग एजेंट्स को जो है ये बताया जा रहा है कि जिसको सिक्योरिटी थी उसको जो है वो एजेंट नहीं रह सकता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो काउंटिंग एजेंट वो नहीं रह सकता है जिसको इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी थी। अगर किसी को 10 साल पहले सिक्योरिटी थी, आज सिक्योरिटी उसको नहीं है, वो काउंटिंग एजेंट रह सकता है, ये रूल्स जो है वो रेगुलेशन जो है वो कहते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर मजाज है कि अगर वो किसी मीडिया वाले को या किसी ऐसे बंदे को जो है वो अलो कर सकते हैं अपने कास्ट और रिस्क पे, यानी कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर अश्योर्ड है कि जिस बंदे को वो अलो कर रहे हैं वो जेन्युइन बंदा है, उसको अंदर एलो करने से किसी तरह का कोई जो है वो नुकसान नहीं हो सकता है, वो उसको एलो कर सकता है, यानी कि जिन मीडिया वालों को पास नहीं दिए गए हैं या जिन मीडिया वालों की एंट्री फैसिलिटेट नहीं हुई है उसको जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के जरिए एंट्री को जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है, बशर्ते कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और रिटर्निंग ऑफिसर है वो इस बात पर उम्मीद हो कि जो बंदा वो अंदर भेज रहे हैं वो जेन्युइन है। अभी इसमें जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन है, लोग जो है वो परेशान हैं कि जैसे जैसे खबरें जो है वो आ रही है, पहले खबर ये आ रही थी कि जो पावर प्रोजेक्ट्स के जो एम्प्लॉयज है यानी कि जो जेईज है, टेक्निकल असिस्टेंट्स उनके पास है, एईज है, जो मैनेजर्स है, अकाउंट्स ऑफिसर्स है, उनको ड्यूटी के लिए जो है वो काउंटिंग्स में लगाया गया है, जो तकरीबन 55 के करीब है और 12 के करीब जो है वो रिजर्व में है, उससे भी जो है वो एक अचमंजस सा फैला हुआ था किश्तवाड़ में, और अब उस पर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजेश कुमार शवान ने जो है वो क्लेरिफिकेशन दी है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो NHPC हो, CVPP हो या जो ये पावर प्रोजेक्ट्स के जो मुलाजिम हो, उनको जो है वो लिया जा सकता है और ये रूल कहता है, और जो ऑब्जर्वर्स है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स है वो हमेशा आउटसाइड स्टेट के होते हैं, इसलिए उन्होंने जो है वो उनको वहाँ पर निगरानी के लिए रखा है। हालांकि इसको कुछ लोग जो है वो शक की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये कोई गैरकानूनी नहीं है और ये विदिन प्रोविजन है। इसके अलावा जैसे हम ये भी जो है वो बात कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कुछ जो मशीन्स हैं उनके नंबर्स मिसमैच हो रहे हैं, यानी कि जो दिया गया है नंबर और जो बाकी है वो सेम नहीं है, लेकिन उसमें भी एक तरीक़ेकार है जो हमें एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमने आपको सुनाई पहले खबर की इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसमें अभी जो है वो कल ही पता चलेगा कि इसमें कितने जो है वो डेप्थ है और इसमें कितनी मशीनें अगर हैं तो वो कितनी मशीनें और एग्जैक्ट नंबर उसका क्या है। हालांकि हमारे पास ये नंबर 11 आ रहा है और किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 का आ रहा है, लेकिन अभी इसमें हतमी तौर पर जो है वो अथॉरिटीज़ ही जो है वो बाद में कल क्लियर कर सकती है कि मसला असली क्या है, उस सूरत में क्या होगा। हमें एक्सपर्ट्स ने बताया कि उस सूरत में VVPAT जो है वो उनकी काउंटिंग होगी, यानी कि एक तरह से रूल्स जो है वो हर चीज़ के लिए क्लियर है, बने हुए रूल्स है, लेकिन देखना है कि क्या वो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते, और क्या वहाँ पर कोई पॉलिटिकल फियास्को होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2014 में भी जब एक मशीन इस्लामिक स्कूल की नहीं चली थी उस वक्त भी जो है वो एक बड़ा फियास्को हुआ था। क्या कल भी जो है वो अगर क्लोज कंटेस्ट होता है इस इशू को लेकर फियास्को होगा, और क्या जिन बंदों ने ये गलती की है, हालांकि ये जो है वो जानबूझकर गलती की नहीं गई है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी जब एक वीडियो आपको दिखाया था कि वोटिंग की काउंटिंग किस तरह से होती है उसको लेकर मैंने ये भी बताया था कि कभी कभार प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेजी रहते हैं, ये उसी का नतीजा है, या तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेजी रहा है या जिस वक्त कलेक्शन की गई है उन EVMs की उस वक्त जो है वो पूरा डाटा जो है वो स्क्रूटनी नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त जो है वो कुछ लोगों को जल्दी होती है, ये जग जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को जल्दी होती है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम निपटे, लेकिन बाद में इस तरह की जो कोताहियाँ हैं वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है। अभी हम नज़र रखे हुए हैं इस खबर पर और हम
लगातार आपको जो है वो काउंटिंग्स के अपडेट देते रहेंगे, ताकि आप लोग जो है वो देखें ये इलेक्शन पर जो है वो सब लोगों की नजरें हैं। पिछले 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अब 10 साल के बाद अगर इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक को एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मीडिया वाले हो, हर एक को जो है वो कल इंतज़ार रहेगा कि रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे, और पल पल रोंड की खबर जो है वो लोग चाहते हैं। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना इसमें फेलिसिटेशन करती है मीडिया वालों को, क्योंकि जितना डिले होगा उतना कयास क्रिएट होगा, यानी कि लोग जो है वो इच्छुक होंगे जानने के लिए। और क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो अफवाहें हैं वो तेज़ी से फैलते हैं, बजाय कि जो सच्चाई है, तो सच्चाई के लिए जो है वो हम यहाँ मौजूद हैं। अगर इस तरह की कोई बात होगी हम आप तक ज़रूर जो है वो पहुँचाएंगे। आप हमारे चैनल्स को जो है वो देखते रहें। हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि जो भी मीडिया वाले बाहर अभी रहे, जिनको एंट्री जो है वो नहीं दी गई है, किन वजूहत से दी गई है, क्या ये एक किसने डिसाइड किया है कि किसको जो है वो एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है एंट्री, जबकि इस तरह के मामलों में जो है वो सभी लोग जो है वो एक जैसे होते हैं, और इसको देखने की ज़रूरत है। मुझे ये भी बताया गया है कि वेरिफिकेशनें की गई हैं, अगर वेरिफिकेशनें की है तो किन लोगों ने की है, जो लोग वहाँ जा रहे हैं जब वो मीडिया वाले ही नहीं हैं, तो उनका वैलिडेशन जो है वो किस तरह से हुआ, कार्ड कैसे आ गए, तो इन चीज़ों को जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है। कल भी जवाब देने की ज़रूरत है और परसों भी जवाब देने की ज़रूरत है, और हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन अथॉरिटी से इसका जवाब जो है वो मांगते रहेंगे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।